गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस सेक्शन वी वेर ऑलरेडी डिस्कस द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. टुडे वी विल डिस्कस द रिमेन्स पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड इन प्लांट. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. After complete the discussion of respiration, complete the mechanism of respiration, type of respiration in animals. In the presence of oxygen, respiratory mechanism being done, and in the absence of oxygen, what will happen? In the presence of oxygen, if oxygen are present in sufficient amount, then the animal respired atmospheric oxygen, and these atmospheric oxygen utilized inside the cell body for the consumption of carbohydrate or glucose molecule and produce a huge amount of energy inside the cell and also liberate carbon dioxide and some amount of water inside the cell. Means oxygen ke presence mein jo respiratory function hota hai usme oxygen एनिमल्स के द्वारा एटमॉस्फेयर से लिया जाता है और वह ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंच करके कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंबस्ट करने में सहयोग करता है. और जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंबसन होता है या उसका ब्रेकडाउन होता है तब एटीपी एनर्जी रिलीज होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है. तो ये तो हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. सेकेंड, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स इफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज्ड और अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सेट that particular site where the need of oxygen are much higher. कहने का मतलब कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में दो कैटेगरी आती है, lack of oxygen and absence of oxygen. तो lack of oxygen में क्या होगा? Lack of oxygen means the amount of oxygen are completely not transported in that particular site. Where does the consumption of the rate of glucose are higher? We all know the consumption of glucose are proper when the oxygen are present. If availability of oxygen are not, then the consumption of glucose are reduced. अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ग्लूकोज का कंजम्पशन कम हो जाएगा. और एक ऐसी अवस्था आती है जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाता है. और जब कम हो जाएगा तो होगा क्या? पीछे सेक्शन में आपने पढ़ा, आपको हमने बताया कि जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन होगा तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, वो 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और पाइरुविक एसिड से फर्दर ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू एटीपी एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. लेकिन जब ऑक्सीजन घट जाएगा
ये जो ऑक्सीजन है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब ग्लूकोज पाइरुविक एसिड में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन पाइरुविक एसिड से फर्दर एनर्जी का लिबरेशन नहीं होगा, देन द पाइरुविक एसिड आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड दिस प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड इनसाइड द ह्यूमन और एनिमल मसल बॉडी, क्रिएट ए स्केलेटल नेचर इनसाइड द मसल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल आर रिड्यूस्ड, देन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन नॉट फिट फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क। जब ऑक्सीजन की कमी होगी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो वह जो मसल है वह स्केलेटल मसल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी घटने के कारण वह ऑर्गन जो है शिथिल हो जाता है और हम काम करने के योग्य नहीं रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, आप देखते हैं या आप खुद भी कभी अगर काम किए होंगे, जैसे फावड़ा चला रहे हैं, तो जब प्राइमरी स्टेज में फावड़ा चलाना शुरू करते हैं तेजी से चलाते जाते हैं, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि अब धीरे धीरे फावड़ा चलाने की स्पीड घटने लगती है, और जब क्लाइमैक्स पे पहुंच जाता है वह कंडीशन, तो अब हम फावड़ा चलाने के योग्य नहीं रह जाते हैं। कहने का मतलब जिस पर्टिकुलर ऑर्गन से हम वह काम कर रहे हैं, अब उस ऑर्गन की मसल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट उस पर्टिकुलर साइट में नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पाने के कारण वह ऑर्गन जैसे फटीग कंडीशन में चला जाता है, थकान की अवस्था में चला जाता है, और हम फावड़ा रख करके कुछ देर के लिए रेस्ट में जाते हैं, और रेस्ट करने के बाद फिर से जब ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल हो जाती है, फिर से कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी का लिबरेशन शुरू हो जाता है, फिर से हम काम करने के योग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक कंडीशन का ही ये पार्ट है, जब पूरी तरह से ऑक्सीजन निल हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां पर ना हो, तब क्या होगा, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म शोन बाय द माइक्रोब्स लाइक ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया डन द फर्मेंटिव एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट फर्दर कन्वर्टेड इंटू पाइरुविक एसिड एंड पाइरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्दर कन्वर्टेड इंटू एथिल अल्कोहल। और जब ऑक्सीजन पूरी तरह से उपस्थित नहीं होता है, वैसे कंडीशन में कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो फर्मेंटिंग मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करते हैं, और वैसे अवस्था में स्टार्च को वह पाइरुविक एसिड में और पाइरुविक एसिड से एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो प्रक्रिया होती है उसमें एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेटरी फंक्शन इन प्लांट। एनिमल में रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के बाद प्लांट में रेस्पिरेटरी फंक्शन को हम स्टडी करेंगे। सिमिलरली लाइक एज एनिमल, प्लांट आल्सो डन द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, बट सम ड्राफ्टिक चेंज इन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट इन कंपेयर टू एनिमल्स। पौधे भी जीवधारी जो जंतु जगत के जीव हैं उनकी तरह रेस्पिरेशन का फंक्शन फुलफिल करते हैं, लेकिन इसके रेस्पिरेशन में और एनिमल्स के रेस्पिरेशन में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। क्यों, देखने में एनाटॉमिकली अगर इसकी स्टडी किया जाए तो दोनों सेम है, लेकिन फिजियोलॉजिकली अगर इसकी स्टडी किया जाए तो थोड़ा सा इसके बिहेवियर में
चेंज दिखता है। वी ऑल नो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन ऑल द लिविंग थिंग्स एब्जॉर्ब और इनहेल ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, बट इन केस ऑफ प्लांट वी सी ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में। जैसे एटमॉस्फेयर से जो लेते हैं और एटमॉस्फेयर में जो रिलीज करते हैं उसी से हम रेस्पिरेशन के फंक्शन को डिनोट करते हैं। तो दिन के समय में प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो जो दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वह कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में यूटिलाइज ना हो करके वह कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में यूटिलाइज होती है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन एंड दिस रिलीज ऑक्सीजन इंटरनली यूटिलाइज बाय द प्लांट सेल इन द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो कुछ एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद जब वो अपने फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी स्टार्ट करता है तो उसके बाद वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज नहीं होती है। दिन के समय में वह ऑक्सीजन जो प्लांट सेल्स हैं उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और वह रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होती हैं, और रेस्पिरेशन में उसका यूटिलाइजेशन होने के बाद फिर से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का लिब्रेशन होता है एंड दिस लिब्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द प्लांट सेल फर्दर यूटिलाइज इन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है प्लांट सेल से वह पुनः फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में प्रयोग कर ली जाती है। तो आपने देखा कि दिन में CO2 लिया और ऑक्सीजन रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इनसाइड द एटमॉस्फेयर, सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्दर यूटिलाइज इन द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म बीइंग डन इनसाइड द प्लांट बॉडी। आफ्टर दैट सेकेंड मैकेनिज्म इन द नाइट टाइम रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी फंक्शन बीइंग डन और कंटिन्यूएट 24 आवर्स इन एनी टाइप ऑफ लिविंग बींग्स। इफ अ रेस्पिरेटरी फंक्शन चेक फॉर सम टाइम देन द डेंजरस एक्टिविटी बींग सीन इन साइड द लिविंग्स बॉडी। अगर कुछ समय के लिए भी या कुछ क्षण के लिए भी रेस्पिरेटरी फंक्शन को चेक कर दिया जाए तो उसके घातक परिणाम उस पर्टिकुलर लिविंग के बॉडी में देखने को मिल सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर श्वसन क्रिया चेक कर दी जाए तो वह प्राणी या वह जीवधारी मर जाएगा। तो रेस्पिरेशन तो 24 घंटे चलता है या 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है प्रीवियस सेक्शन में हमने आपको बताया कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए चार इंग्रेडिएंट हैं, उन चारों इंग्रेडिएंट का होना आवश्यक है। अगर उसमें से कोई एक एब्सेंट होगा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी चेक हो जाएगी। वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। और नाइट टाइम में क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, लेकिन सनलाइट नहीं है। तो जैसे ही सूर्यास्त होता है, सनसेट होने के बाद फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मंद पड़ जाती है, बंद हो जाती है, फिर भी रेस्पिरेशन का फंक्शन प्लांट में होता रहता है।
ड्यूरिंग द नाइट टाइम प्लांट ऑल्सो एब्जॉर्ब ऑक्सीजन बट द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बींग चेक इन साइड द प्लांट बॉडी देन इंटरनली द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन आर कंप्लीटली चेक देन द प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड दिस एब्जॉर्ब ऑक्सीजन यूटिलाइज बाय द प्लांट सेल एंड कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दिस रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर डिस्चार्ज इनसाइड द एटमोसफियर बट द रेस्पिरेटरी फंक्शन बींग नॉट डन ओनली द ग्रीनर पार्ट ऑफ द प्लांट और इन अदर वर्ड वी कैन से द रेस्पिरेटरी फंक्शन बींग नॉट डन इनसाइड द लीव द रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑल्सो डन इनसाइड द ब्रांचेज ऑफ प्लांट स्टेम ऑफ द प्लांट एंड रूट ऑल्सो लीव की तरह उसके ब्रांचेज में उसके स्टेम में उसके रूट में रेस्पिरेशन का फंक्शन होता है द रेस्पिरेटरी फंक्शन बींग डन इन साइड द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट द स्टेम ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ लेंटिसेल लेंटिसेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन इन प्लांट स्टेम एंड इन साइड द रूट Also, a small uncovered stomata present. These stomata also absorb the oxygen present inside the ground surface. We all know if a plant submerged inside the water body. For some time, then we see the plant leaf are changing greenish to yellowish form. हम देखते हैं कि अगर कोई प्लांट है जिसमें वाटर को टॉलरेट करने की एबिलिटी नहीं है उसकी रूट जो है ऑक्सीजन सॉयल से एब्जॉर्ब करती हैं और सॉयल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वाटर लॉक कंडीशन हो गए रूट जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तब वैसे दशा में जो प्लांट की लीफ है वह ग्रीन से कन्वर्ट होने लगती है एलोइस में क्यों क्योंकि अब रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और ऐसे जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट हैं उसकी रूट जो है डीप से डीपर सॉयल में जाती हैं और डीप से डीपर जाने की वजह से उसको उस सॉयल पार्टिकल से ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना होता है जिससे वह रूट अपना काम कर पाती हैं और वाटर लॉक कंडीशन होने के कारण उसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाता है जिससे वह पौधा मर जाता है बट इन ऑन अदर हैंड द बोनोबॉट प्लांट द रूट आर फाइब्रस and spread on the surface of the soil and they have the ability to easily trap the atmospheric oxygen and survive in waterlogged condition and if a plant submerged inside the water body for few months then no any harmful effect create on the body of the plant in this way the respiratory mechanism being done inside the plant body inside the leaf stem and root also this is all about the respiratory function inside the plant body after that we will discuss the mechanism of respiration in plant in previous section thank you for watching video